हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीपी प्लस के जो वाईफाई कैमरा आते हैं उनको हम लोग फोन से वो कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। एक तो सीपी प्लस के अंदर आता है E25A और एक आता है E35A, दोनों को हम लोग फोन से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर है वो स्टेप बाय स्टेप वो बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लें। तो चलिए आप चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहाँ पे ये ऐप है वो सर्च कर लेना। आप लोगो देख लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद में आपको सिंपली अपने फोन के अंदर इस ऐप को वो इंस्टॉल है वो कर लेना है। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्या कैमरे को है वो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। जैसे ये ऐप इंस्टॉल होती है तब तक मैं कैमरे को है वो निकाल लेता हूँ। तो कैमरा कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। ये कैमरा 3 मेगापिक्सल के अंदर है, एक कैमरा आता है 2 मेगापिक्सल के अंदर भी। तो सीपी प्लस के अंदर जितने भी आते हैं E35A E25A जितने भी मॉडल्स आते हैं वो सारे एक ही ऐप से वो कनेक्ट होने वाले हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक कैमरा आपने कनेक्ट करना सीख लिया उसके बाद सारे कैमरे वो आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने ऑनलाइन खरीद लिया बट आपको कनेक्ट करना नहीं आता, किसी शॉप पे जाके कनेक्ट करते हो, इससे बेटर आप खुद है वो इसको कनेक्ट वो इजीली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप हम लोग इसको कनेक्ट कैसे करने वाले हैं। इसके अंदर हमें मिलने वाला क्या क्या है वो इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो देखो एक चार्जर मिल गया, एक पावर कोड आ गई और ये जो है दीवार के अंदर फिट करने के लिए, दीवार में लकड़ी में कहीं पे भी फिट कर सकते हैं इस कैमरे को यहाँ से पीछे से। तो ये वाला जो हिस्सा है वो खुलता है, खुलने के बाद में अपने कहीं भी कनेक्ट वो कर सकते हैं दीवार के अंदर। और उसके अंदर कार्ड है वो यहाँ पे डलता है, जो इसके नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लोग कार्ड डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस कैमरे को पावर ऑन देने वाले हैं और पावर ऑन देके हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं कि ये कैमरा है वो कैसे कनेक्ट होने वाला है फोन से। तो चलिए सीखते हैं। तो कैमरे को हम लोगों ने पावर ऑन दे दी, अब हम लोग आते हैं ऐप पे। तो चलिए ऐप पे चलते हैं। सिंपली इस ऐप को यहाँ से क्या करना है ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद में आपको यहाँ पे साइन इन करना है, अपनी मेल आईडी डाल के वेरीफाई कोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस है वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ। तो मैंने ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कोड करके यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। अब सिंपली आपको यहाँ पे प्लस का निशान दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। अब आपका कैमरा कौन सा है वो आपके इस डब्बे पे यहाँ पे लिखा हुआ होगा। देखिए मॉडल नंबर डब्बे पे लिखा हुआ है E35A। तो हम लोगों को यहाँ पे E35A है वो मॉडल देखना है। देखो E36A E35A देखना है ना। तो ये रहा E35A। तो यहाँ पे मैं देखो जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टेप है, इस पे राइट का निशान करना है और नेक्स्ट कर देना है, अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको जो वाईफाई इस कैमरे से कनेक्ट करना है, जैसे मेरी शॉप का वाईफाई है वो मैं इस कैमरे से कनेक्ट करने वाला हूँ। जब तक आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं करोगे तो बार बार ये यही बोलता रहेगा वाईफाई कनेक्शन वेटिंग। अब मैं यहाँ पे मेरा वाईफाई है वो कनेक्ट करने वाला हूँ। तो सिक्योरिटी के लिए मैं अपने वाईफाई के पासवर्ड है वो शो नहीं कर रहा हूँ। एक QR कोड आएगा इस तरीके से, आपको क्या करना है इस कैमरे को और इस वाईफाई के सामने वो ऐसे स्कैन करना है। तो जैसे मैं ऐसे स्कैन करता हूँ इस कैमरे के सामने तो ये बोल गया वाईफाई कनेक्ट हो गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे जैसे देखो ये QR कोड आपको शो हो रहा है, मैं कैमरे के अंदर आपको शो करवा देता हूँ। तो इस तरीके से QR कोड है वो शो होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा I have protection, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा ना, मैं आपको कैमरे के अंदर शो कर दूँ। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे करोगे कुछ टाइम आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और कैमरा है वो आपको वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मॉडल जो सीपी प्लस के अंदर वाईफाई कैमरा आता है वो आप घर पे भी इजीली है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप QR कोड इस कैमरे के सामने स्कैन करोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आप कुछ भी दे सकते हो स्मार्ट कैमरा या कुछ भी। तो मैंने स्मार्ट कैमरा दे दिया और यहाँ पे डन कर दिया। डन करते ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद में यहाँ कैमरा ऑनलाइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैमरे को चेक कर सकते हो, कैमरे की रोटेट भी कर सकते हो, कैमरे को अप डाउन ऊपर नीचे जो भी करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैमरे को इजीली है वो कनेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का करें।